हेलो माय डियर स्टूडेंट वी आर गोइंग टू कम्पलीट द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी व्हाट हैपन टू द वेबटाइल्स चैप्टर नंबर नाइन आज हम लोग लास्ट पार्ट वाला स्टोरी ख़त्म करेंगे आओ चलते ही स्टोरी में क्या है ए फ्यू वीक्स पास्ट एंड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक टायर्ड एंड फेड अप कुछ हफ्ते के बाद जितने भी एनिमल्स फॉरेस्ट में थे वो लोग थक चुके थे द रैट्स नाउ दैट देर वेर नो स्नैक टू ईट देम द रैट है ओवर द फॉरेस्ट वहाँ पर जो चूहे थे पूरा फॉरेस्ट में फैल गया था क्योंकि स्नेक नहीं था उन लोगों को खाने के लिए एंड दे वेर हैविंग अ वरफुल टाइम और वो लोग अच्छे टाइम बिता रहा था दे वर एवरी वन ऑन द ट्रीज इन द ग्रास इन द बुश ऑन द ग्राउंड जो चूहे थे ट्री के ऊपर थे ग्रास के ऊपर थे झाड़ी के अंदर थे ग्राउंड के ऊपर थे चारों ओर सिर्फ चूहा ही चूहा था दे एट ऑफ द एग्स ऑफ द लेजर्ट एंड द क्रोकोडाइल जो रेड्स थे वो लेजर्ट का और क्रोकोडाइल का जो अंडा थे वो भी खा लेते थे दे देर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर उसी साल तो कोई बेबी नहीं हुआ मकाराज ओन नेस्ट ऑफ द एग्ज हैड बिन चीउड आप जो मकड़ा का अपना अंडा था वो भी खा लिया गया था देन मकड़ा हैड अ ग्रेट आइडिया मकड़ा का एक अच्छा वाला आइडिया आया ही कॉल्ड द मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल एंड सेड उसने फिर से एक मीटिंग बुलाया क्रोकोडाइल के लिए बी अ वंडरफुल ईफ वी क्रोकोडाइल वुड हैव द होल जंगल फॉर आवर सेल्फ उसने बोला अगर ऐसा हो पूरा जंगल क्रोकोडाइल का हो तो बहुत अच्छा नहीं होगा नो वन बट आस सिर्फ कोई नहीं रहेगा सिर्फ हम लोग ही रहेंगे दिस लेजर्ट नाउ जस्ट लुक एट देम ये जो छिपकली uh, है इसको देखो जरा तुम लोग दे हैव अ स्ट्रेंजेस्ट हैबिट एंड सम ऑफ देम चेंज देयर कलर हाउ कैन वी ट्रस्ट व सम वन हु इज ग्रीन वन मिनिट एंड रेड नेक्स्ट लेट्स गेट इट रीड ऑफ देम ये जो छिपकली है ये बहुत ही अजीब सा स्वभाव की है ये अपना कलर जो है वो चेंज कर देते हैं कभी कभी तो ग्रीन होता है नेक्स्ट मिनट में ही वो रेड कलर में चेंज करते हैं तो इन लोगों को भी ये फॉरेस्ट को छोड़ना होगा इन लोगों को भी यहाँ से जाना होगा बाई नाउ द क्रोकोडाइल वेर रियली स्कर्ड ऑफ द मकाड़ा तब तक तो क्रोकोडाइल साड़े मकाड़ा से डर रहे थे सो दे क्लैप्ड एंड चेयर इसीलिए वो लोग ताली बजाया और जो मकड़ा को चेयर अप किया मकड़ा वह प्लेज मकड़ा इससे खुश हो गए द दिव द फॉरेस्ट सम विथ देयर बेबीज ऑन देयर बैक जो छिपकली थे वो फॉरेस्ट छोड़ दिया और अपना बेबीज को बैक में बिठा के चले गए बट नाउ वेन द लाइफ शुड हैव वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल ऑफ पंबू पट्टी ऑल काइंड ऑफ एव थिंग्स बिगेन टू हैपन मगर अभी तो क्रोकोडाइल का अच्छा जिंदगी आने वाला था पम्पट्टी में मगर सब अजीब सा होने घटना घटने लगा टू ब्रिंग बिगिनिंग टू बिगेन विद रैट्स ग्रीव बोल्डर बाय डे बाय द डे तो जो रैड्स थे वो धीरे धीरे और भी बड़ा होने लगे दे बिकेम सो फेयरलेस एंड दे जम्पड एंड टर्न्ड सम सॉल्ट ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक वो लोग बिना डरे हुए इधर उधर जंप करते थे क्रोकोडाइल के आगे पीछे घूमते थे उसको परेशान करते थे एंड दे आर वेड टू मैनी फ्रॉग्स और वहाँ पर बहुत सारा फ्रॉग्स थे दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर वो धीरे धीरे बड़ा होने लगे साइज में एंड देयर वॉज नो वन टू ईट देम बट क्रोकोडाइल्स वो लोगों को कोई खाने के लिए नहीं रहा दीज ह्यूज फ्रॉग्स बिगेन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल वो जो बड़ा बड़ा फ्रॉक थे वो क्रोकोडाइल का बेबी को खाने लगे एंड द इंसेक्ट नाउ द लेजर्ट वेरगन एंड देयर वर वेर मिलियंस ऑफ देम ग्रोइंग बिगर एंड नेस्ट बाय द डे तो लेजर्ट भी चले जाने के कारण जो इंसेक्ट है वो अभी काफ़ी मात्रा में बढ़ गया था पूरा जंगल में वो बोल भर गया था और वो भी साइज़ में दिन ब दिन बढ़ रहे थे

तो एक बार मीटिंग में ही एक धीमी आवाज़ में बोला गया आ, हमारा ये फॉरेस्ट में इतना अनहोनी कुछ इतना क्रेजी चीज़ घटनाएं घट गट रहा है ये क्या तुम लोगों को दिखता नहीं है सडनली एवरीवेयर वॉज साइलेंट अचानक से सभी चुप हो गए दे लुकड एट द मकाड़ा फियरफुली वो लोग मकाड़ा को डर से देख रहे थे बट टू दियर सरप्राइज ही लुकड नर्वस मगर सभी देख के आश्चर्य हुआ कि वो भी नर्वस थे ही शुक

वो ऐसा दिखा रहे थे कि वो रॉन्ग uh, नहीं है बट इट डिड नॉट मैटर बगर ये अभी मानिए ही रखता है ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू हा नाव दैट ही वॉज नॉट ऑल द स्ट्रांग और पावरफुल तो तब तक सभी क्रोकोडाइल जान चुके थे कि वो अभी ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल शक्तिशाली नहीं है और ऑलवेज राइट वो भी हर वक्त जो सही होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दिस सेंड द आर्जिन मैसेज टू ऑल ओवर द प्लेस ऑफ द टोटोएस स्नेक्स एंड लेजर टू कम बैक टू दम्बू पट्टी तो सारे जो कॉकोराइल है वो फिर से मैसेज कर दिया क्रोकोडाइल्स को स्नेको और लेजर्ट को कि पंबू पट्टी में वापस आ जाए एंड वट अ ग्रेट डे इट वॉज वे इन दे क्रिएचर केम बैक एंड फैमिली विद द आफ्टर फैमिली विद विद देयर लिटल वंस ऑन देअर बैक और स्ट्रगलिंग बिहाइंड शाउटिंग देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम और वो बहुत ही अच्छा दिन था जब सारे क्रिएचर सारे सब कुछ अपना फैमिली फुल फैमिली के साथ बच्चे को अपना कंधे पे चढ़ा के वो लोग वापस आ गए थे और वो लोग सभी वेट कर रहे थे कब वो अपना फॉरेस्ट में आएगा इन टू मंथ्स द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल और दो महीने के बाद ही वो फॉरेस्ट एकदम नॉर्मल हो गया द रैट्स डिजअपियर्ड द इंसेक्ट एंड द स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेट बैक टू द फैमिली ओल्ड सेफ तो जो भी फॉरेस्ट में दो महीने के बाद एकदम थी सारा नॉर्मल हो गया जो रैड्स थे इतना सारे वो डिजेपेड हो गया चला गया जो इंसेक्ट थे वो भी ख़त्म हो गया और जो बैड स्मेल फैला हुआ था पूरा जंगल में वो भी चला गया वेल well, प्रेम सेट द ओल्ड मैन हैव यू फॉलन स्लीप तो वो बुढ़ा आदमी ने बोला अरे प्रेम तुम क्या सो चुके हो डीट माई स्टोरी सेंट यू ऑफ द ड्रीमलैंड क्या तुम्हारा मेरा स्टोरी तुमको सपने के दुनिया में ले गया आई सुक माई हेड नो ग्रैंड फादर आई वॉज जस्ट थिंकिंग उसने बोला नहीं ग्रैंड फादर उससे ढिलाया और बोला दादाजी नहीं मैं सिर्फ सोच uh, सोच रहा था मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई विलेज हाँ ऐसा हो सकता है मेरा अभी अपना गाँव में जाने का टाइम हो गया बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल देम क्योंकि मुझे ये स्टोरी को उन लोगों को बताना है बट व्हाट इफ़ दे डोंट लिसन टू मी मगर ऐसा क्या होगा अगर वो लोग मेरा कहानी को ना सुने तो वी कैन ओनली कीप इट माई सोन वेल दिस स्टोरी अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल हाँ मेरे बच्चे तुम इसको अपने साथ लेके जाओ और ये स्टोरी को बार बार सुनाते रहना ज़्यादा लोगों में इसको बोलते रहना सम ऑफ देम मे लव एट यू और से योर स्टोरी आर नॉट ट्रू कोई कोई तो तुम्हारा ये स्टोरी में हंसेगा और बोलेगा ये तो सच कहानी नहीं है बट दे मे रिमेंबर देम वन डे एंड अंडरस्टैंड मगर वो लोग धीरे धीरे एक दिन तो उसका समझ में आ जाएगा ये स्टोरी का मतलब क्या है हैज़ अ प्लेस इन द स्ट्रेंज एंड फनी वर्ल्ड ऑफ आवर्स हर कोई का इस दुनिया में एक पर्टिकुलर स्थान होता है और यही हमारा अजीब सा दुनिया का खेल है तो ये बहुत सुंदर सा स्टोरी लिखा है जय वाइटाकर ने ये तुम लोग याद रखना ये स्टोरी अच्छे से पढ़ लेना उम्मीद है समझ लिया होगा थैंक यू